जी, मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति, और मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। शानदार तरीके से और पूरे जोश के साथ सभी इस क्लास में आ जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा जानदार, शानदार, दमदार होने वाला है। क्योंकि आज हम भैया हमने बहुत तैयारी की है, हमने बहुत सारे मैराथन क्लासेस, थ्योरी क्लासेस पढ़ी है। उसके बाद भैया आज का ये मॉक टेस्ट आपके लिए अरेंज किया गया है। जो बच्चा इस मॉक टेस्ट में पास हो गया, समझ लेना, जिस बच्चे की शानदार आपके कमेंट, देखिए कमेंट बहुत मायने रखते हैं आज की क्लास में, इधर उधर ना कमेंट करके आंसर को कमेंट कीजिएगा, और आपके कमेंट में से ही हम कुछ बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उनको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है, उसकी चिंता मत कीजिएगा। आप सभी बस अपना जोर, पूरी मेहनत लगा दी नहीं इस एक घंटे में। अगर आपका शानदार परफॉर्मेंस रहा तो क्वेश्चंस मेरे पास भैया बहुत सारे रखेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग सभी को। तो मैं शानदार तरीके से सेशन शुरू कर रही हूं, आप सभी जुड़ जाइए उस एक अच्छे विचार के साथ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, फिर भी मेहनत उसकी बेकार नहीं जाती। मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में जो मेहनत पर विश्वास रखता है, जो कोशिश पे विश्वास रखता है कि उसकी मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, और मेहनत भी कैसी, ईमानदारी भरी, ईमानदारी वाली मेहनत करोगे तो जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। ध्यान रखना, असफल थोड़ी छोटी असफलताएं होंगी, लेकिन जीवन में आपको बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। और कभी निराश, चैन की नींद सोओगे बेटा, जिस दिन भैया मृत्यु होगी ना, उस दिन भी मतलब एक बहुत सुकून होगा, चैन होगा कि जीवन में हमने जो भी किया मेहनत से किया, ईमानदारी से किया, और आज देखिए हम मतलब एक अच्छी जगह पे आप सभी होंगे, ठीक है। और आप सभी को नीट 2022 का टारगेट रखना है, या तो डू या तो डाई। डाई मतलब कि भैया वैसे लड़ाई नहीं, डाई मतलब भैया छोड़ देंगे नीट। इस बार या तो क्रैक कर देंगे ना, इस बार या तो पास कर लेंगे नीट को, या तो छोड़ देंगे। तो इस प्रकार का लक्ष्य आप सभी का होना चाहिए। तो क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए निकाल रही हूं। गुड इवनिंग सभी को। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, टाइमर ऑन करूंगी, विद इन टाइमर के बीच में आपको आंसर देना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन होगा क्वेश्चन का कि भैया आंसर क्यों हुआ है, और आपके ऑप्शंस का, एक एक ऑप्शंस को अच्छे से करते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा, और आगे बढ़ते रहेंगे। आपको पूरा समय दिया जाएगा, समय के अंदर आप सभी को आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी इज, कशेरुकी शरीर का कठोर पदार्थ है, बताइए क्या है? केराटिन, इनेमल, डेंटाइन या फिर कॉन्ड्रिन। बताइए क्या है? केराटिन है, इनेमल है, डेंटाइन है या फिर कॉन्ड्रिन। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। इस सभी को भैया टाइम आपका हो चुका है। शानदार, दमदार, जानदार आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। 30 सेकंड होने देते हैं। आप सभी को पता है हमारा जो केराटिन है ये कहां पर, जो आपका क्लॉ, पंजा वगैरह होता है, क्लॉ, पंजा, हेयर, नेल्स, बालों में, नाखूनों में, और जो खुर होते हैं, है ना, जो खुर होते हैं जानवरों के, जो आपकी भैंस, बकरी, गाय होती है, उनके जो पैर होते हैं उनको खुर बोला जाता है। आप सभी जो गांव में रहते हैं उन्हें पता होगा, खुर बोला जाता है। तो वो सभी किससे बने? केराटिन से बने। ध्यान रखना, ये जो केराटिन है इसका मतलब उन सभी प्रोटीन से है जो कि स्किन में होती है। मतलब जितनी भी स्किन से रिलेटेड प्रोटीन्स होती है ना, जितनी भी त्वचा से संबंधित जो भी प्रोटीन होती है उसको केराटिन बोला जाता है, ठीक है, केराटिन बोला जाता था। वहीं से नाम डिराइव हुआ आपका केराटिन। केराटिन शब्द का मतलब ये है कि स्किन की प्रोटीन। तो हमारी स्किन में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, विच इज इम्प्रीवियस टू वाटर। इम्प्रीवियस टू वाटर मतलब कि भैया ना तो पानी को अंदर आने देती है, ना तो हमारे शरीर में से पानी को लीक होने देती है। बचा डेंटाइन और कॉन्ड्रिन। आपका ये जो डेंटाइन है, ये जो डेंटाइन है, अगर हम टीथ यहाँ पर देखें तो हमारे जो सबसे अबव ऊपर वाली लेयर होती है जो आपको व्हाइट चमकती हुई दिखाई देती है ना दांतों के ऊपर, ये तो आपकी इनेमल है। इस इनेमल के नीचे हमारी डेंटाइन होती है, ध्यान रखना ये आपकी इनेमल से कम मजबूत होती है। ये भी, इसमें भी कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं लेकिन एज कंपैरिजन टू द इनेमल कम होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है। और नोट कर लेना, मेरी सारी एक्सप्लेनेशन को आप मेरे साथ साथ नोट करते हुए जाइए, मेरी सारी एक्सप्लेनेशन को आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए आप सभी, ठीक है। और हमारा ये जो कॉन्ड्रिन दिया है लास्ट ऑप्शन, ये आपका जो बोन होते हैं ना, जो आपके कार्टिलेज है ऊपर से, उसका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब जैसे कोई मीडियम होता है, वाटर होता है, वाटर के अंदर हम चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, उसी प्रकार मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे कार्टिलेज की सेल्स हैं जिनको कॉन्ड्रोसाइट हम बोलते हैं। तो हमारा जो कॉन्ड्रिन है इट इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का मैट्रिक्स है, तो ये भी इतना स्ट्रांग नहीं होता। हमारा जो इनेमल है वो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम के लवण और कैल्शियम के सॉल्ट से बना है, ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। और 99% भैया इससे बना है। ये हमारी बोन, हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है इनेमल, इस बात को ध्यान रखना। केराटिन भी हार्ड होता है, केराटिन याद रखना, जो केराटिन होता है इसकी ये जितना ये जो कठोर होता है ना, केराटिन भी कठोर होता है, इसकी जो कठोरता होती है वो काइटिन की सिमिलर होते हैं। काइटिन और केराटिन सिमिलर ही आपके कठोर होते हैं, दोनों ही सिमिलैरिटी मतलब दोनों में होती है, सेम सेम कठोर होते हैं, ना कि कोई ज्यादा ना कोई कम, सिमिलर कठोर होते हैं, ध्यान रखना, हार्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Which of the following term describes human dentition? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव दंत चिकित्सा का वर्णन करता है? बताइए इनमें से कौन सा मानव दंत का वर्णन करता है? टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन, प्लूरोडोंट, मोनोफाइडोंट, होमोडोंट, जल्दी से बताइए। ये डेंटिशन दे रखा है, और डेंटिशन क्या होता है? आपके टीथ की जो अरेंजमेंट होती है, टीथ का जो टाइप होता है, नंबर होता है, इसको कहा जाता है डेंटिशन। जब हम अपने दांतों को डिस्क्राइब करते हैं, उनका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार वो हमारे माउथ में जुड़े हुए हैं, उनकी अटैचमेंट कैसी है, कितने नंबर में है, कितने प्रकार के हैं, जब हम इन चीजों को डिस्क्राइब करते हैं तो हम बोलते हैं हम दांतों के डेंटिशन बता रहे हैं। तो आपको बताना मानव में किस प्रकार का डेंटिशन है, आपको बताना है मानव में किस प्रकार का डेंटिशन है, शानदार तरीके से, ठीक है, शानदार तरीके से। थीकोडोंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, डाइफोडोंट, होमोडोंट, प्लूरोडोंट, डाइफोडोंट और हेट्रोडोंट। आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा उत्तर देना? शानदार, दमदार, जानदार तरीके से। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका थीकोडोंट, थीकोडोंट, डाइफोडोंट और हेट्रोडोंट। इसको समझेंगे किसका मतलब क्या है, ठीक है। जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्लूरोडोंट, पहले इसको देख लीजिए। प्लूरोडोंट मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ टीथ टू द जॉ बोन। हमारे जब के साथ किस प्रकार दांत जुड़ी हुई है, इसका किस प्रकार वो अटैचमेंट को बोला जाता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट होती है, जिसमें से एक प्रकार का अटैचमेंट आपका दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स की अटैचमेंट होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट, जो कि आप लिखिए, जो कि आप लिखिए। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप सभी को लिखना है कि भैया आंसर सेकंड क्यों है, ठीक है। आप लिखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट, किस प्रकार अटैचमेंट होती है, इन द सॉकेट ऑफ जॉ, इन द सॉकेट ऑफ जॉ, जबड़े में और जॉ में किस प्रकार की अटैचमेंट होती है। देखिए तीन प्रकार की होती है, देखिए एक तो प्लूरोडोंट हो गया, एक तो प्लूरोडोंट हो गया। प्लूरोडोंट में जो दांत है वो उसके लेटरल एक्सिस पे जुड़ा होता है, जैसे ये आपका जॉ है, ये जॉ की हड्डी है, जबड़ा, और ये हमारा क्या है, दांत है, ये क्या हमारा दंत। तो इसके लेटरल साइड पे, इसका जो पार्श्वीय भाग है, यहाँ के लेटरल सरफेस पे जो टीथ है वो अटैच होता है। टीथ आर अटैच टू द, टीथ आर अटैच्ड टू द लेटरल सरफेस, टू द lateral surface to the lateral surface of jaw, जबड़े के lateral surface पे और पार्श्वीय भाग पे। हिंदी में आपका जो दंत है वो आपके जबड़े के पार्श्वीय भाग पे जुड़ा होता है, पूरी तरीके से नहीं, बस पार्श्वीय भाग पे इतना जुड़ा है। इसको चाहे मैं व्हाइट से ड्रॉ कर देती हूँ दांत को, जिससे आपको क्लियर हो जाए, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये किसमें होते हैं? तो आपके जो स्नेक के पॉइजनस टीथ होते हैं, ध्यान रखना, जो आपके स्नेक के पॉइजनस टीथ होते हैं, स्नेक के जो पॉइजनस टीथ होते हैं जिसको फैंग्स भी बोला जाता है, पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक, उनमें आपकी किस प्रकार का अटैचमेंट होता है? प्लूरोडोंट टाइप। जो सेकंड टाइप का अटैचमेंट है उसको बोलते हैं एक्रोडोंट। क्या बोलते हैं? एक्रोडोंट। एक्रोडोंट में क्या होता है? हमारे जो टीथ होते हैं वो हमारे जॉ के सरफेस पे जुड़े होते हैं। मान लीजिए ये हमारा जॉ है, मतलब हमारे जबड़े की हड्डी है, तो हमारे जो दांत है वो इस तरीके से इसके सरफेस पे जुड़े होंगे, इसके सरफेस पे इस तरीके से अटैच होंगे। इस प्रकार का अटैचमेंट हमारे एम्फीबियंस में होता है। एम्फीबियंस मतलब कि हमारे उभयचर में होता है, और हमारे मत्स्य में मतलब कि फिशेस में पाया जाता है, मत्स्य में, और हमारे रेप्टाइल्स में भी होता है। ठीक है, रेप्टाइल्स में स्नेक का पीछे बता दिया है, आपका प्लूरोडोंट भी होता है। ठीक है, सरीसृप। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट वाला है अटैचमेंट वो है थीकोडोंट। और थीकोडोंट तो आप सभी को पता है, हिंदी में भी इसको थीकोडोंट बोलते हैं। जहां पर हिंदी की जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको हिंदी में भी बताती चलूंगी। इसे मैंने यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा, आपको लिखना है, आप लिख लीजिए थीकोडोंट। ठीक है, एक्रोडोंट में भी लिख लीजिएगा, यही मतलब है, कोई और हिंदी का वर्ड नहीं है, इतना ध्यान रखना। थीकोडोंट में क्या होता है? मान लीजिए ये मेरे जबड़े की हड्डी है, तो मेरे जो टीथ है वो इस जबड़े में धसे होते हैं। क्या होते हैं? एम्बेडेड, धसे होते हैं। मेन मुख्य बात यही है कि भैया धसे और एम्बेडेड होते हैं इन द सॉकेट ऑफ जॉ, इन द सॉकेट ऑफ जॉ, इन द सॉकेट ऑफ जॉ। ध्यान रखना, जबड़े के में धसे होते हैं। इस प्रकार की अटैचमेंट और डिटेंशन को थीकोडोंट कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर आप बी ऑप्शन देखेंगे, अगर आप यहां पर बी ऑप्शन देखेंगे तो मोनोफाइडोंट दिया है, डाइफोडोंट, डाइफोडोंट, डाइफोडोंट। तो डाइफोडोंट मतलब क्या होता है इसको भी आप समझेंगे, साफ पेज पे हम देखेंगे इसको। देखिए, डाई मतलब होता है दो, अगर मोनो की बात करूं तो मोनो मतलब होता है वन, डोंट मतलब तो समझ में आ गया। डोंट शब्द टीथ के लिए उपयोग होता है और हमारे दंत के लिए उपयोग किया जाता है। डाइफोडोंट, डाइफोडोंट मतलब दो प्रकार के यहाँ पर टीथ है, मतलब दो प्रकार से, मतलब हमारे मुख में दो प्रकार के नहीं, दो तरीके से हमारे मुख में दो प्रकार के दांत होते हैं। वो इस कहने का मतलब है कि एक तो आपके डिसीडियस टीथ होते हैं, एक तो आपके डिसीडियस टीथ होते हैं जिसको मिल्क टीथ भी बोला जाता है, जिसको आप दूध के दांत बोलते हो, दूध के दांत। और एक होते हैं परमानेंट टीथ, एक होते हैं परमानेंट टीथ। हमारे जो डिसीडियस टीथ होते हैं इसकी संख्या आपसे पूछी जाती है कि इसकी संख्या क्या है, तो भैया हमारे जो चाइल्ड के दांत होते हैं ना, कितना होता है? 2102, 2102। ये आपके चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला है, जो कि अगर आप काउंट करोगे तो 20 टीथ आएंगे, 2 3 4 5 5, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, नीचे 10 और ऊपर 10, मतलब कि 20। तो 20 आपके डिसीडियस टीथ होते हैं, ध्यान रखना। और ये आपकी 13 से 14, मतलब 13 से 14 साल की उम्र तक आप कह सकते हैं आपके ये वाले दांत होते हैं। जब आप 14 साल की उम्र में आते हैं उसके बाद आपके 28 दांत आते हैं, और जब आप 21-22 साल की उम्र में आते हैं, 19-20-21 साल की उम्र में, तो आप में दाढ़ जो होती है ना, दाढ़ आती है। बोलते हैं ना भैया अब आप बड़े हो चुके हो, दाढ़ आ रही है, बुद्धि दंत आ रहे हैं, जिसमें आपके मोलर टीथ आते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान रखना, ये चाइल्ड का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देती हूँ। और जब आप 14 से 15 साल की उम्र में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2122, 2122। और जो एडल्ट होता है, एडल्ट की एज मतलब 20 to 21 साल का, तो उसका फॉर्मूला होता है 2123, 2123। इस समय आपका 32, 32 दांत होते हैं, इसमें 28 दांत होते हैं, ध्यान रखना। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो दो प्रकार के दांत मतलब डाइफोडोंट, और जो लास्ट दे रखा है मतलब हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट और होमोडोंट दे रखा है। होमोडोंट मतलब होता है एक ही प्रकार के दांत, ठीक है, जो शार्क वगैरह होती है ना, शार्क वगैरह, उसमें एक ही प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, तो होमोडोंट मतलब होमो मतलब सामान्य, हेट्रो मतलब होता है विश्व, हेट्रो मतलब क्या होता है विश्व, डोंट मतलब दंत, तो विश्व दंती। ठीक है, मतलब हमारे पास चार प्रकार के दांत होते हैं, जिसमें से एक हम इंसीजर बोलते हैं। आगे के जो दो दांत होते हैं कौन से होते हैं? इंसीजर, जिसको हम कृतंक बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो एक दांत होता है, एक दांत होते हैं साइड में इस प्रकार, वो हमारा कैनाइन होता है, जिसको हम रदनक बोलते हैं। रदनक के बाद हमारा आता है प्रीमोलर, जिसको आप अग्र चर्णवक बोलते हो। इसको लर्न कर लेना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अग्र चर्णवक बोलते हो। 2, 1, 2, 3 मतलब ये दो होते हैं, इस तरीके से लिख देते हो, दूसरा कलर कर देते हैं ना, जिससे हमें पहचान सके कि भैया कौन से दांत हम बना रहे हैं, प्रीमोलर। 2, 1, 2, 3 अब लास्ट में आते हैं हमारे कौन से दांत? हमारे मोलर दांत, जो तीन होते हैं, तीन इस तरफ, तीन इस तरफ। अभी आप इस तरह नीचे भी इसी तरीके से होगा, नीचे भी इसी तरीके से होगा, बना लीजिए भैया, नीचे भी इसी तरीके से आपके दांत होंगे। ठीक है, नीचे भी इसी तरीके से आपके दांत होंगे, और ये 32 दांत होंगे। अगर आप काउंट कर लोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। और मोलर और चमड़क, इस तरीके से ही मैंने यहाँ पर लिखा है, जिस तरीके से आपका ये फॉर्मूला होता है 2, 1, 2, 3। ये इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 × 2 कर देना, फॉर्मूला आ जाएगा, दांत के नंबर भी आ जाएंगे। होप आप सभी को ये क्लियर होगा। ठीक है, तो यही है विषमदंती मतलब, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। शानदार, दमदार, जानदार तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे, और टाइमर आप सभी के लिए मैं लगा दूंगी, टाइम के अंदर ही आप सभी को आंसर करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में? मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मिलान करना है आप सभी को, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करना है। आंसर दीजिए, गॉबलेट सेल्स, लाइसोजाइम, सलाइवा, ऑक्सोनिटिक सेल। जल्दी से, शानदार, दमदार, जानदार तरीके से इसका आंसर आना चाहिए भी आप सभी का। गॉबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, लाइसोजाइम कहां से बनता है, सलाइवा कहां से बनता है, ऑक्सोनिटिक सेल। ऑक्स बताया था, ऑक्स बहुत खतरनाक जानवर होता है, तो जिसके आगे ऑक्स लगाए वो भी कुछ खतरनाक बनाता होगा। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही घातक एसिड है। आंसर बताइए क्या होगा। बहुत शानदार, दमदार, जानदार आंसर सभी का आ रहा है, आप सभी को बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ऑक्सोनेटिक सेल, भैया सिंपल सी बात है, ऑक्स खतरनाक, एसिड भी खतरनाक होता है, जला देता है चीजों को। तो ऑक्सोनेटिक सेल को HCl से मार्क कर लीजिए। हमारा गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करता है, हमारे एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल में और हमारी श्वसन तंत्रिका में कुछ एपिडर्मल सेल्स होती हैं, जो हमारी उपकला उत्तक, आप कह सकते हैं उपकला उत्तक होती है, सॉरी एपिडर्मल सेल्स होती है, नॉट एपिथेलियल, एपिडर्मल सेल्स, जो हमारी सरफेस की लेयर होती है, वो मॉडिफाई हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है गॉबलेट सेल्स में। ये जो गॉबलेट कोशिका है, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जब आपको जुकाम होता है सर्दियों में, भैया आप छींक मारते हो तो निकलता है ना बलगम जैसा कुछ चिपचिपा सा, ये है म्यूकस। इस प्रकार आपका म्यूकस होता है। म्यूकस आपको इम्यूनिटी प्रदान करता है, प्रतिरक्षा देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपकी इनेट इम्यूनिटी और आपकी सहज प्रतिरक्षा तंत्र का भाग है, क्योंकि कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस आता है अगर हमारे शरीर में, तो म्यूकस उसको जकड़ लेता है। और एक और मैं आपको इसमें पॉइंट बताऊंगी बहुत ही अच्छा, जो आप याद रखिएगा। अगर आप संतरा वगैरह खाते हैं, खट्टे फल खाते हो, तो खट्टे फल से हमारी ये जो म्यूकस की इम्यूनिटी होती है वो बढ़ती है, मतलब म्यूकस सिक्रीट होता है हमारे शरीर में, और जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो इसीलिए बोला जाता है विटामिन C और ये जो ऑरेंजेस वगैरह होते हैं, इससे हमें म्यूकोकस एसोसिएटेड, मतलब ये जो हमारी इम्यूनिटी होती है, ये हमें देता है म्यूकस की इम्यूनिटी, ध्यान रखिएगा। लाइसोजाइम, सलाइवा तो आप सभी को पता है, सलाइवा हमारे 3 ग्रंथियां, लार ग्रंथियां होती है, पैरोटिड ग्रंथि जो सबसे बड़ी होती है, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी जो हमारे टंग के पास होती है, और हमारे यहाँ पर और हमारी जो तीसरी होती है सब लिंगुअल नहीं सॉरी जो टंग के नीचे होती है वो सब लिंगुअल होती है। और जो हमारी सब मैंडिबल, एक बार मैं लिख देती हूँ यहां से जिसको आपको ये ना लगे, पेरोटिड ग्रंथि हमारी कहाँ होती है? चीक्स में हम बोलते हैं, ईयर के आगे, कान के आगे और चीक्स में पाई जाती है। इस प्रकार लिख लीजिए। दूसरा हमारी जो सब मैंडिबुलर और इसको सब मैक्सिलरी भी बोला जाता है, ये वाली हमारी जो ग्रंथि होती है, मैंडिबल नाम सुना है अपने, मैक्सिलरी। तो हमारा जो मैंडिबल जॉ है, ठीक है, ये जो मैंडिबल सबसे बोला जाता है हार्डेस्ट हमारी जो बोन है, सबसे कठोरतम जो हमारी अस्थि है, हड्डी है, वो हमारा मैंडिबल लोअर जॉ है, मैंडिबल। तो इस मैंडिबल के पास जो हमारी लार ग्रंथि होती है उसे बोला जाता है सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब मैक्सिलरी, ध्यान रखना। उसके बाद आती है हमारी सब लिंगुअल ग्रंथि जो हमारी टंग के एकदम नीचे होती है। तो ठीक है बेटा, सलाइवा की बात की जाए तो इससे होगा। लाइजोजाइम का काम एंटीबैक्टीरियल का है, तो एक सेकंड, आपने सभी ने डी ऑप्शन दे रहे थे, आप सभी डी ऑप्शन तो गलत है भैया। ए का होगा सेकंड, ए का सेकंड किसमें है? आंसर सही नहीं आ रहा भैया। बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, मतलब ई ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। ई ऑप्शन आपका एकदम शानदार, दमदार, जानदार आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए शानदार तरीके से। वाटर इज लार्जली एब्सॉर्ब्ड इन, जो वाटर होता है, जल होता है, वो सबसे ज्यादा कहां पर अवशोषित होता है? जल्दी से आप सभी बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, बहुत शानदार, दमदार, जानदार क्वेश्चन पूछा है। समय से आंसर कर दीजिएगा, जल्दी से, फटाफट से आंसर करिएगा। क्या होगा जल्दी से? आपका स्टोमक, इसोफेगस, ग्रास नली, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन, क्या हो जाना चाहिए आंसर? क्या हो जाना चाहिए? सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप सभी, अगर आपको पसंद आ रहा हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों तक जरूर इस क्लास को जरूर पहुंचाइएगा कि भैया आप भी जुड़ जाओ, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए तो आंसर दीजिए, कहां पर पानी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है? उत्तर दीजिए भैया। बेटा वेरी गुड, डॉक्टर आरुषि का भी सही उत्तर आया है, डॉक्टर आरुषि का। तो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, ध्यान रखना। अब यहां पर जो स्टोमक दे रखा है, इसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, स्टोमक को याद करने की एक ट्रिक बताऊंगी कि हमारे अमाशय में, हमारे पेट में और स्टोमक में क्या एब्जॉर्ब होता है, क्या क्या चीज एब्जॉर्ब होती है। भैया एक गिलास ले लो, इसमें थोड़ी सी शराब डालो, ठीक है, तुमने इसमें शराब डाली, मतलब कि एल्कोहल डाला, क्या डाला? एल्कोहल डाला। भैया शराब में पानी भी तो मिक्स करते हो, सिर्फ शराब थोड़ी पीते हो, ज्यादा नहीं चढ़ जाएगी, तो भैया पानी भी डाल दो थोड़ा सा। तो वाटर भी तुमने डाल दिया, ठीक है, वाटर भी डाल दिया। अब भैया बहुत कड़वी होती है शराब, अभी पहली बार कोई पी रहा है तो थोड़ी सी चीनी भी तो डालोगे, तो भैया तुमने शुगर भी डाल दिया, क्या? शुगर भी डाल दिया। तो थर्ड होते हैं शुगर। तो ये जो तीनों चीजें होती है हमारे स्टोमक में अब्सॉर्ब होती है, इसको ध्यान रखना। ये एक तरीके की ट्रिक है जिसको आप लर्न कर सकते हो, लर्न करने के लिए आपके लिए आसान है। साथ में अगर मैं माउथ की बात करूं कि हमारी मुख में क्या अब्सॉर्ब होता है, तो हमारे माउथ में जो ड्रग्स वगैरह होती है, जो आप मेडिसिन वगैरह खाते हो, मुख में रखते हो, देखिए जो आपकी मेडिसिन, भैया जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनको एकदम से हार्ट अटैक आया है, एकदम से दिल में दर्द हुआ है, तो आप एकदम से उसको डिस्प्रिन, एस्प्रिन मतलब दी जाती है ना, तो वो आराम से हमारे टंग के नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं, डायरेक्टली ब्लड में घुल जाती हैं दवाइयां, ड्रग्स। इसलिए भैया हम मुख से भी दवाई देते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है और एकदम से अफेक्ट कर देती है। इसलिए माउथ में ड्रग्स, मेडिसिन्स वगैरह जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, इस बात का ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का होता है, एमिनो एसिड्स का होता है, फैटी एसिड्स का होता है, इन सभी पदार्थों का क्या होता है? अवशोषण होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो चीजें अनडाइजेस्टेड बच जाती हैं, उनमें से भी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करवा लिया जाता है भैया दोबारा से। अगर कोई खनिज तत्व बच गया है तो उसका एब्जॉर्प्शन दोबारा से करवा दो भैया। और वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी छोटी आंत में होता है, ध्यान रखना, इसमें आप गलत मत कीजिएगा। छोटी आंत में सबसे ज्यादा अवशोषण की प्रक्रिया होती है और वाटर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Scripts of लेबरखन are found in between the villi, they secrete. जो क्रिप्ट्स ऑफ लेबरखन है, हमारे जो क्रिप्ट्स ऑफ लेबरखन है वो क्या सिक्रीट करते हैं, जो विलाय के बीच में उपस्थित होते हैं. जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरखन किस चीज का सिक्रीशन करते हैं. दमदार जानदार तरीके से इसका आंसर आप सभी करिएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी को दे रखा है, उत्तर दीजिएगा. आपकी जो विलाय होती है जिसको रसांकुर कहा जाता है, लेबरखन के क्रिप्ट विलाय के बीच में पाए जाते हैं, वे स्रावित करते हैं. तो आपकी जो विलाय होती है इनके बीच में एक ग्रंथि होती है जिसको क्रिप्ट्स ऑफ लेबरखन बोला जाता है. बोला क्या है, बोला गया है क्या सिक्रीट करती है. तो इनमें एंटेरोसाइट सेल्स होती हैं. क्या होती है, एंटेरोसाइट्स. यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जिसको देखते ही मैं गलत कर सकती हूँ. क्या, एक तो ग्लूकेगॉन, हमारा ये जो ग्लूकेगॉन है और ये जो इंसुलिन है ये पेनक्रियाटिक सेल्स, मतलब पेनक्रियाज से सिक्रीट होके आता है. पेनक्रियाटिक कोशिका और अग्न्याशय कोशिका, अग्न्याशय कोशिका स्रावित करती है. ध्यान रखना, हमारे अग्न्याशयी कोशिका में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, ठीक है, लैंगरहैंस के द्वीप भी जिसको बोला जाता है, लैंगरहैंस के द्वीप, उनकी कोशिका सिक्रीट करती है. अल्फा बीटा और गामा 3 कोशिका होती है जो इनको सिक्रीट करती है. ध्यान रखना. और आपका इसका उत्तर हो जाएगा, जो बहुत क्लियरली आंसर है इसका, वो है आपका बी ऑप्शन, सक्सेस एंटेरिकस. और सक्सेस एंटेरिकस को इंटेस्टाइनल जूस भी बोला जाता है. इस इंटेस्टाइनल जूस में इंटेस्टाइन के सभी एंजाइम्स होते हैं, इंटेस्टाइन के सभी एंजाइम्स होते हैं. एंजाइम्स का भी एक ट्रिक होती है बेटा, स्मेल करके. एस से सुक्रेज, एम से माल्टेज, ई से इरेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एल से लैक्टेज, एल से लाइपेज. तो स्मेल याद रखना, स्मेल याद रखना, इसका ट्रिक है. और साथ में आपका म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन भी इसमें भरपूर होता है, क्योंकि ये एल्कलाइन नेचर, क्षारीय प्रकृति का होता है. बी ऑप्शन को आप सभी मार्क कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सभी आ जाइए. क्या बोल रहा है, सम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आर. अब आपको बताना है इनमें से कौन से प्रोटियोलिटिक एंजाइम है. ट्रिप्सिन, एरेप्सिन, पेप्सिन, एमाइलोप्सिन, स्टेप्सिन और पटाइलिन, अमाइलेज, लाइपेज, जाइमेज या फिर यूरियेज, जाइमेज और डीहाइड्रोजिनेज. तो भैया जाइमेज तो पहले ही काट दो, क्योंकि जाइमेज हम सभी को पता है जाइमेज कहाँ पाया जाता है. कोई मुझे आंसर देगा, जाइमेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है. तो हमारे जो ईस्ट वगैरह होते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, उनमें ये एंजाइम पाया जाता है जो फर्मेंटेशन और किण्वन प्रक्रिया को करवाता है. तो ये तो काट दो. एमाइलोप्सिन काट दो भैया. पटाइलिन, पटाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की डाइजेशन. टाइलिन भी बोला जाता है आपके सलाइवरी अमाइलिस को. तो तीनों नहीं कट गए क्या, ये बचा सिर्फ एक ऑप्शन जो कि है ट्रिप्सिन, इरेप्सिन और पेप्सिन. जहां पर आपका जो ट्रिप्सिन है वो कहां से बन के आता है, हमारे पेनक्रियाज से बन के आता है, ठीक है. हमारा जो इरेप्सिन है ये आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जिसमें कई प्रकार के प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आएंगे. ध्यान रखना, हमारे इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है, हमारी आंत में बनता है, आंत में बनता है. और पेप्सिन हमारी स्टोमक में बनता है. और सारे के सारे ये प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करते हैं. तो ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर है. किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो भैया दूर कर लेना यहीं पर. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कॉम्पोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एंजाइम का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है. अग्न्याशय रस की संरचना. आपको बताना है अग्न्याशय रस और पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं. शानदार, दमदार, जल्दी से आंसर उत्तर देंगे भैया. क्वेश्चन नंबर 7 का, माइलेज, पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजन और रेनिन. तो रेनिन आप सभी को पता है कि भैया रेनिन तो हमारे स्टोमक पे बनता है. अब बात आती है माल्टेज. माल्टेज तो इंटेस्टाइन में बनता है यार. पेप्टिडेज, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकैप्टिड. यहां पर फिर रेनिन दे दिया यार इन्होंने. फिर रेनिन दे दिया इन्होंने, फिर पेप्सिन भी दे दिया। ये दोनों ही स्टोमक में बनता है, ये इंटेस्टाइन में बनता है, ये स्टोमक में, ये भी स्टोमक में, ये भी स्टोमक में, और ये सारे के सारे हमारे पेनक्रियाटिक एंजाइम है। यहाँ पर प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज लिखा है, ये भी आपका प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, ध्यान रखना है। ट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज और लाइपेज। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, शानदार दमदार जानदार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगी, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर दे दीजिएगा क्या होगा इसका, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर सिक्रीशन इज करेक्टली मैच विद इट्स सोर्स, टारगेट एंड नेचर ऑफ एक्शन। आपको बताना जो एकदम सही दे रखा है, सिक्रीशन क्या स्रावित करता है, सोर्स इसका स्रोत क्या है, टारगेट सेल कौन सी है, किसके ऊपर आक्रमण, भैया क्या टारगेट है इसका, एक्शन क्या क्रिया करता है, क्या कार्य करता है, ठीक है। ये टेबल आपका इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं साथ साथ में बता दूंगी। अब शानदार तरीके से इसका आंसर कर देना। सिक्रीशन गैस्ट्रिन, इनहिबिन और एंटेरोकाइनेज आपका दे रखा है इस प्रकार। गैस्ट्रिन आपका स्टोमक होता है, टारगेट है इसका ऑक्सोनेटिक सेल और प्रोडक्शन ऑफ HCl, ठीक है। क्या ये सही है, तो भैया बिल्कुल गैस्ट्रिक जूसेस को स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिक जूसेस में आपका HCl भी आता है, तो ये आपका करेक्टली मैच, ये तो एकदम सही दे रखा है। अब आ जाते हैं इनहिबिन पे, अब किस पे आ जाते हैं, इनहिबिन जो आपका सेकंड आपका दे रखा है, सर्टोली सेल हाइपोथैलेमस से बन के आता है। इनहिबिशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो जल्दी से बताइए ये भैया इनहिबिन का दे रखा है, ठीक है। उसके बाद थोड़े से आप एक बार ऑप्शंस देख लीजिए, पहला तो आई गया एंटेरोकाइनेज, डिओडनम और रिलीज ऑफ बाइल जूस, तो ये एकदम क्या सही है, ठीक है। फोर सिक्रीशन इज करेक्टली मैच, बताइए भैया क्या ये सही है, एंटेरोकाइनेज, उत्तर दे दीजिएगा आप सभी फटाफट से, जल्दी से आप सभी का आंसर आना चाहिए बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, जल्दी से, वेरी नाइस, बहुत शानदार दमदार जानदार तरीके से उत्तर कर रहे हैं आप सभी, बहुत शानदार दमदार जानदार तरीके से आप सभी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, भैया ए ऑप्शन डायरेक्टली आ रहा है, ए ऑप्शन डायरेक्टली आ रहा है। एट्रियल नेक्रोटिक फैक्टर, सिनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड वहां से सिक्रीट होता है, इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ रेनिन, ठीक है। भैया उत्तर क्या होगा इसका, जल्दी से, टाइम तो काफी हो गया, टाइम तो काफी हो गया भैया, जल्दी से आंसर दे दीजिए क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो हमारा जो ए ऑप्शन दे रखा है, शानदार दमदार जानदार तरीके से आंसर आपका दे रखा है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अपना, द पिगमेंट हीमोसाइनिन इज फाउंड इन, वर्णक हीमोसाइनिन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कोर डेटा में, ठीक है, कोर डेटा में या फिर एनालिडा में, मोलस्का में या फिर इकाइनोडर्मेटा में। काफी अच्छा क्वेश्चन है। हीमोसाइनिन, कहा हीमोसाइनिन आपका किस जीव में पाया जाता है, उत्तर दे दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को नहीं दिखाए ना क्वेश्चन तो पीडीएफ में क्लियर हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना, एकदम शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। यार अब इसका शानदार आंसर चाहिए मुझे, हीमोसाइनिन पिगमेंट किसमें पाया जाता है, जल्दी से, ठीक है। आपका टाइमर ऑन नहीं किया है, 1 मिनट मैं इसको जरा, टाइमर अब तो क्या ही ऑन करना, नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑन करते हैं। चलिए उत्तर दीजिए बस इसका क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिए इसका क्या हो जाएगा। ध्यान रखना हमारे जो क्रस्टेशिया होते हैं, हमारे जो क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रस्टेशियंस, हमारे जो क्रस्टेशियंस एंड ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क इनमें पाए जाते हैं। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें मोलस्क दे रखा है, तो यही इसका जानदार शानदार दमदार उत्तर हो जाएगा, ठीक है बेटा। हमारा ये जो हीमोसाइनिन, देखिए ये जो हीमोसाइनिन दे रखा है, ये एक प्रोटीन होता है जो इनवर्टिब्रेट्स में ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हमें पता है एनालिडा जो आपका सबसे सेकंड ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपका हीमोग्लोबिन होता है जो आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान रखिए क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जैसे कि आपके अर्थवॉर्म, लीच वगैरह, नीरीज वगैरह इन सब में आते हैं। लिख देती हूँ यहाँ पर आपके, इसमें भी हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, मदद करता है, ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। और इसमें जो इसका हीमोसाइनिन होता है वो इसके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, मदद करता है। इस बात को ध्यान रखना, हमारा जो हीमोसाइनिन है ये एक प्रोटीन है जो आपके इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाते हैं, जिनकी हमने बात की वो क्या थे, अकशेरुकी थे। क्या थे, अकशेरुकी थे। क्या थे, अकशेरुकी थे। होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे बेटा, क्लियर होंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बढ़ जाए, नेक्स्ट बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। अच्छा भैया, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के टर्म्स में आप सभी को इसको अरेंज करना है। ये आपको बहुत शानदार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन भैया सबसे भारी क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताना है। टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, अपशिष्ट आयतन या अपशिष्ट मात्रा, श्वसन आरक्षित मात्रा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर वाइटल कैपेसिटी। उत्तर दीजिए क्या हो जाएगा, दमदार शानदार जानदार आंसर ही इस क्वेश्चन का दीजिएगा, बढ़िया आंसर ही दीजिएगा भैया इस क्वेश्चन का। ठीक है, हल्का आंसर नहीं आना चाहिए। बताइए क्या होगा, बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप सभी को लाना है, सबसे ज्यादा उससे कम वॉल्यूम, उससे कम वॉल्यूम। जल्दी से ध्यान से देख लो, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू लिख देती हूँ। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है नॉर्मल ब्रीदिंग, कितना आप नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हो, ये आपका टाइडल वॉल्यूम होता है। हम कितना अतः श्वसन, कितना बाह्य श्वसन, ठीक है, करते हैं या निःश्वसन करते हैं, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है। और ये हमारा ज्वार की मात्रा और टाइडल वॉल्यूम होता है, ध्यान रखना, जो हमारा 500 ml होता है। कितना होता है, 500 ml होता है, कितना होता है, 500 ml होता है। ये बात आप सभी को पता होगी। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में बच जाता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्या फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर बचती है, ये हमारा रेजिडुअल। आपने जोर से बल कितना निःश्वसन किया है, बलपूर्वक कितना आपने श्वास को बाहर फेंका है, और जितना आपका अमाउंट आपके लंग्स में रह जाता है, ये आपका रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, एनसीईआरटी में दिया है बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1200 ml। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसके ऊपर जोर डाल रही हूँ। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, कितना आपने बलपूर्वक निःश्वसन किया है, एक्सपायर किया है, कितना आप जोर से आपने बाहर एक्सहेलेशन किया है, ये आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, जो भी आपकी क्या फिक्स होती है, 1000 से 1100 ml होती है, 1000 टू 1100 ml होती है, ध्यान रखना। और आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होती है, जो वाइटल कैपेसिटी, हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है बेटा वो टोटल होता है। क्या होता है, टोटल होता है वाइटल कैपेसिटी, ERV प्लस IRV प्लस आपका टाइडल वॉल्यूम, ये हमारा क्या होता है, ये हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है। टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, दिस इज आवर टोटल, मतलब वाइटल कैपेसिटी। तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा भैया फोर्थ होगा, सबसे बड़ा रुपया है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। थर्ड आपका क्या होगा, थर्ड में 1100 बड़ा है भैया 1000 से, ये बड़ा है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, हमारा बड़ा है या फिर हमारा ये बड़ा, तो भैया ये बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल यही बड़ा है भैया। उसके बाद हमारा ERV है थर्ड ऑप्शन, उसके बाद भैया फर्स्ट है, मतलब B ऑप्शन इज अवर राइट आंसर, B ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। डी नहीं बेटा, B आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। एक बार जरूर सेशन को आप सभी लाइक करिएगा अगर आपको सेशन पसंद आता है। आप इतने सारे बच्चे इतने समय से जुड़े हैं, जो अच्छा लग रहा है कि आपको क्लास पसंद आ रही है, तो सेशन को जरूर लाइक कीजिए अगर आपको मेहनत पसंद आती है, और शेयर जरूर करना है आप सभी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जितने भी बच्चे क्लास पे जुड़े हैं। चलिए, एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ एयर through the respiratory tract, which figure correctly shows the process of exhalation. ठीक है, निःश्वासन श्वसन, सांस छोड़ना श्वसन पथ के माध्यम से हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। कौन सी आकृति सांस छोड़ने की प्रक्रिया को सही ढंग से दर्शाती है? डायग्राम आप सभी को दे रखा है, इसको जूम कर दूंगी थोड़ा सा। डायग्राम आप सभी को दे रखा है, इसको जूम कर दूंगी थोड़ा सा। शानदार, दमदार, जानदार तरीके से सभी का उत्तर इस क्वेश्चन का आना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा? बढ़िया तरीके से सभी इस क्वेश्चन का क्या कर दीजिएगा, आंसर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से एक बार इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट से, फटाफट से क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर आपको क्या दे रखा है, एक्सलेशन। जब आप हवा को बाहर निकालते हैं ना, तो आपकी ये जो चेस्ट कैविटी है, जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो ये फूल जाती है, लेकिन जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो इस कैविटी की जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो कम हो जाता है। तो भैया कम कहाँ हो रहा है? कम की डायरेक्शन कहाँ दिखाई जा रही है? ये देखिए बाहर हवा जा रही है, तो ये तो अंदर की तरफ आ रही है, तो पहले ही गलत हो गया। ये भी बाहर की तरफ जा रही है, तो ये भी सही हो गया। ये अंदर की तरफ, ये भी गलत हो गया। अब इसको थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज दिखाए। भैया यहाँ पर वॉल्यूम घट रहा है, क्यों? क्योंकि हवा बाहर निकल रही है, तो वॉल्यूम घटेगा ही बेटा, तभी तो आपका एक्सलेशन होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको एकदम सही दे रखा है। और डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, डोम शेप में। तो आपका ए ऑप्शन इस फिगर ए, और ए जो आपकी फिगर दे रखी है वो जानदार, शानदार, दमदार तरीके से एकदम सही डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। रेस्पिरेटरी एंड वॉमिटिंग सेंटर आर लोकेटेड इन, बताइए श्वसन और जो वॉमिटिंग सेंटर है वो कहां पर उपस्थित है? श्वसन और उल्टी केंद्र स्थित है कहां पर? मेड्यूला ऑब्लंगाटा में, सेरिब्लम में, हाइपोथैलेमस में, या फिर पेरिकार्डियम में? जल्दी से बताइए। रेस्पिरेटरी सेंटर और आपका रेस्पिरेटरी सेंटर एंड आपका वॉमिटिंग सेंटर कहां पर लोकेटेड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? फटाफट से, टाइमर नहीं ऑन किया, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से उत्तर आ जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2023 की तैयारी कब से होगी बेटा? अभी तो भैया 2022 तो कर लो, उसके बाद 2023 की बात करेंगे बेटा, उसके बाद 2023 की बात करेंगे। तो आपका इसका जो आंसर दे रखा है, देखिए रेस्पिरेटरी और वॉमिटिंग दोनों ही आपके रिफ्लेक्स और आप कह सकते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं और अनैच्छिक क्रियाएं हैं। क्या है? अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक और इनवॉलेंट्री काम है। तो ये आपका जो मेड्यूला ऑब्लंगाटा होता है ना, वो करता है। ठीक है, पेरिकार्डियम तो कोई मतलब बनता नहीं है। पेरिकार्डियम क्या है? हमारे हृदय के पास जो लेयर होती है उसको बोला जाता है भैया एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। तो भैया हृदय की लेयर से तो क्या ही मतलब है आपके रेस्पिरेटरी सेंटर का। बचा आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, आपका हाइपोथैलेमस भी नहीं होगा, क्योंकि भैया आपका हाइपोथैलेमस थर्स्ट, हंगर, इन सब टेम्परेचर, तापमान, इन सबको चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। सेरिबलम, सेरिबलम का काम होता है बैलेंस करने का, संतुलन बनाए रखने का। मेडुला ऑब्लंगाटा आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, आपके शरीर के उपापचय अभिक्रियाएं, आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शानदार, दमदार, जानदार तरीके से सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक श्वसन विकार है? एंथ्रैक्सिस, सिलोसिस, बॉटुलिज्म, या फिर एम्फाइसीमा? उत्तर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, भी बढ़िया क्वेश्चन है भैया। आपके डिजीज में से आपके देखिए हर एक चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर एक चैप्टर के लास्ट में आपकी 4 डिजीज दे रखी हैं, जो मेरे को लगता है कोई ज्यादा डिजीज है नहीं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी डिजीज है। इन डिजीज को आप सभी को लर्न करना है, इस बात को ध्यान रखना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। आपका क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्सिस, सिलियोसिस, बॉटुलिज्म और एम्फाइसीमा। उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा। जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जब आप एक जगह पे लगातार काम करते हो, ठीक है बेटा, लगातार काम करते हो तो वहां की धूल मिट्टी सब आप लगातार अंतः श्वसन और इंस्पायर करते हो, जो कहीं ना कहीं आपके लंग्स में आपका जमती जाती है। एक तो आपका सिलिकोसिस, ध्यान रखना, एक तो आपका सिलिकोसिस और एब्स्टोसिस, ये दोनों ही आपके ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हैं। एक आपका सिलिकोसिस और एक आपका एब्स्टोसिस, ये दोनों ही आपके क्या हैं, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है। क्या है? ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, इसको मार्क कर लेना। ये आपके डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। आपका जो पाचन तंत्र है, बॉटुलिज्म आपके पाचन तंत्र से संबंधित क्या है, रोग है। और आपका जो एम्फाइसीमिया है, ये मेनली आपके सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आपका ये डिजीज होता है। और यह एक क्रॉनिक डिजीज है जिसमें एल्वियोलाई वगैरह डैमेज होती है, जो एल्वियोलाई की वॉल होती है ना, वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू स्मोकिंग वगैरह से। और सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और आपका, ठीक है बेटा, होप आप सभी को क्लियर है या फिर नहीं, बता दीजिए क्लियर है या फिर नहीं। और एंथ्रेक्स तो आपका किसके द्वारा, आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर जाएंगे सिलिकोसिस पे, टिक मार्क लगा लेना, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी देखेंगे, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से मैच द फॉलोइंग मतलब सही सुमेलित करना है आप सभी को शानदार तरीके से। अर्थवॉर्म, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, मॉइस्ट क्यूटिकल, गिल्स, लंग्स और ट्रेकिया। अर्थवॉर्म में किसके द्वारा श्वसन होता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में क्या चाहिए, जलीय आर्थ्रोपोड्स। मछलियों में क्या चाहिए, पक्षी और सरीसृप में क्या चाहिए। उत्तर दीजिएगा फटाफट से, क्या हो जाएगा। बढ़िया तरीके से शानदार आंसर होगा भैया इसका, तो शानदार उत्तर ही इस क्वेश्चन का आना चाहिए। तो भैया आप सभी को पता है इसमें से जो सबसे एडवांस है वो कौन सा है, लंग्स है, फेफड़े हैं, ठीक है। वो आपके किसके पास होंगे, बर्ड्स और रेप्टाइल के पास, फिशेस के पास आप सभी को पता है भैया, गिल्स तो होते ही होते हैं। बचा आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या होगा भैया आप बताइए, क्यूटिकल होना चाहिए, ट्रैकिया, तो ट्रैकिया आपके एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और अर्थवॉर्म में आपका मॉइस्ट क्यूटिकल ही होगा। ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का थर्ड, जो कि हमारा बी ऑप्शन, हमारा एकदम शानदार दमदार जानदार आंसर सभी का आ रहा होगा। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो राइट शिफ्ट इन केस ऑफ, बोला ये राइट शिफ्ट, दिस इज राइट शिफ्ट और यह है लेफ्ट शिफ्ट। अब आपको उत्तर करना है राइट शिफ्ट कब करता है, डिसोसिएशन कर्व विल मूव टू राइट। राइट ये बहुत अच्छे से क्लास में करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतनी बात को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इतनी बात को ध्यान रखना। आप जानदार शानदार तरीके से इसका आंसर आप सभी मुझे करिएगा। बताइए क्या होगा, बताइए शानदार तरीके से इसका आंसर देना, क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या कार्बन डाइऑक्साइड का लो पार्शियल प्रेशर या फिर लेस H+ कंसंट्रेशन। बताइए CO2 आपका राइट की तरफ कब बढ़ता है। तो सबसे पहले राइट शिफ्ट का मतलब है कि जो एफिनिटी है, मतलब जो प्यार है, मोहब्बत है या अट्रैक्शन है, जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की, वो ऑक्सीजन की तरफ क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ये मतलब होता है राइट की शिफ्ट का। और लेफ्ट की शिफ्ट का मतलब है कि एफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है और एफिनिटी कब इंक्रीज होगी, या राइट की तरफ कब आपका कर्व आपका शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ आपका जो कर्व है वो कब शिफ्ट करेगा, जब आपका क्या या तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाए या तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाए और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाए, ऐसा ही होगा। तो भैया आपका हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेस H+ कंसंट्रेशन होगा नहीं, हाई जब H+ होता है ना, जब ज्यादा H+ होते हैं तो ज्यादा H+ आपके हीमोग्लोबिन से जुड़ते हैं, उसके बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि भैया अगर इसके आसपास H+ आ गया तो ये ऑक्सीजन से थोड़ी जुड़ पाएगा। तो ये भी आपके राइट आपकी राइट शिफ्ट, हाई H+ कंसंट्रेशन, यहां लिख रही हूं हाई H+, हाई आपका हाई CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और या फिर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और आपका टेम्परेचर, ठीक है, आपका टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या करते हैं हमारे राइट साइड में क्या करते हैं, ग्राफ को शिफ्ट करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ग्राफ को शिफ्ट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सभी पॉइंट को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और आपका टेम्परेचर, ठीक है, और आपका टेम्परेचर भी, ठीक है, मतलब टेम्परेचर भी जब हाई होता है तो वो भी आपका राइट की तरफ, और डिसोसिएशन कर्व है जो राइट की तरफ शिफ्ट करता है। इन सारी बातों को लिख लीजिएगा, ठीक है। इन सारी बातों को एक और होता है भैया 2,3-DPG, ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। जो आपका 2,3 DPG 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये आप सभी सुनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2,3 ये भी लिख लीजिए, एक पॉइंट मुझे याद है, इसको भी नोट करिए। 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट आपका ये जो कंपाउंड है, ध्यान रखना 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट आपका ये जो कंपाउंड है बेटा, ये भी आपके डिसोसिएशन, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट मतलब एफिनिटी को डिक्रीज करवाता है, डिसोसिएशन करवाता है ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, मतलब कर्व को राइट साइड शिफ्ट करवाता है। जितना ज्यादा इसका ये इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा भैया एफिनिटी को डिक्रीज करेगा। होप आप सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दमदार तरीके से, विच वन इज द करेक्ट रूट थ्रू पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट। आपको बताना है कौन सा एकदम सही मार्ग है जो इम्पल्स ट्रांसफर होती है, हिंदी में भी देख लीजिए, कौन सा सही मार्ग है जिससे नाड़ी बनाना आवेग दिल में यात्रा करता है। उत्तर देंगे आप सभी जानदार, शानदार, दमदार तरीके से। सभी का आंसर यहां पर आना चाहिए, कौन सा सही मार्ग है, मतलब आपको मार्ग बताना है किस तरीके से आपका इम्पल्स ट्रेवल करता है। तो भाई यहाँ पर टाइमर ऑन करें और टाइम में आपको सिर्फ 10 सेकंड ही दूंगी आप सभी के आंसर का। भैया तब तक मैं आप सभी का वेट करूंगी, क्या हो जाएगा। आरती मित्रा, सौरभ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मुनीता, ओके बेटा, पलक पांडे, वीरेंद्र, जितने भी बच्चे आंसर दे रहे, जूबिया, समर, आरती, रजौरिया, सचिन, वेरी नाइस, पुष्पेंद्र, वाह क्या बात है, वाह जानदार बात कर दी आपने तो। सुधांशु, पूर्णिमा, आज तो फिर से मर्जी लगा दी आप सभी ने, ठीक है, वेरी गुड वेरी नाइस, जल्दी आंसर दीजिए। सबसे पहले आप सभी को पता है, अगर मैं यहाँ पर हृदय बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर हृदय को बनाऊं, इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती है, तो आपकी इम्पल्स सबसे पहले कहाँ पर जनरेट करती है, ऐसे नोड के पास, ऐसे नोड से कहाँ ट्रांसफर करती है बेटा, एवी नोड पर, कहाँ पर, एवी नोड, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। फिर ये एवी नोड से कहाँ जाती है, हमारा यहाँ पर क्या होता है, हमारा यहाँ पर क्या होता है, आप सभी को पता है यहाँ पर क्या होता है, हमारे बंडल ऑफ हिस्स होता है, और बंडल ऑफ हिस्स से कहां पर जाते हैं, पुरकिंजी फाइबर पे जाते हैं, फिर हार्ट मसल्स, ठीक है बेटा। अब आंसर को मार्क कर लीजिएगा, ऐसे नोड, ऐसे नोड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये दोनों गलत हो जाएगा। ऐसे नोड से एवी नोड, ये आपका एकदम सही रखा है, बंडल ऑफ हिस्स और पुरकिंजी फाइबर, मतलब डी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर, मतलब डी ऑप्शन इज अवर जानदार, शानदार, दमदार आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप सभी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप सभी, मैच द कॉलम विद द, आप सभी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि टॉप 10 को सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, टॉप 10 को सेलेक्ट करना मुश्किल है। तो जितने भी बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया, आप सभी को मतलब मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये मॉक टेस्ट देखिए, आप सभी को, बहुत बच्चों को testwale.com पे जाने पे प्रॉब्लम हो रही थी कि मैम हम कैसे testwale.com से हम कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे जाएंगे। तो भैया आप एक तो testwale.com की वेबसाइट को जान लीजिए, क्योंकि आपके फ्यूचर में वहां पर डेली टेस्ट होंगे, ठीक है। लेकिन अभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, उसके लिए मैं एक इवेंट करूंगी कि आपको बताऊंगी किस तरीके से डाउनलोड वगैरह किया जाता है। उससे पहले मॉक टेस्ट आप सभी को टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा और एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप पर। तो ऐप और टेलीग्राम से आप इस पेपर को, मॉक टेस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। एक आपके टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जामपुर, बोर्ड एग्जाम का ऑफिशियल चैनल होगा आपके टेलीग्राम पर। और आपके ऐप का नाम है एग्जामपुर, ऑफिशियल ऐप है एग्जामपुर। तो आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी इसका आंसर दे दीजिए जानदार, शानदार, दमदार तरीके से। भैया पी वेव क्या दिखाती है? आपकी जो पी वेव आती है क्या दिखाती है, फिर आपकी जो क्यूरास वेव होती है क्या दिखाती है, फिर आपकी आती है लास्ट टी वेव। उत्तर दीजिएगा दमदार, जानदार, शानदार तरीके से कि आपका क्या दर्शाती है पी वेव, क्या दर्शाती है। जल्दी से आंसर करिएगा आप सभी। जल्दी से बहुत बढ़िया, वेरी गुड भैया। सेशन आपके 1 आवर का ही है, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे 20 क्वेश्चन में कंप्लीट करवा दूंगी आपको। और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एक दूसरा भी हम इसका क्या करेंगे, एक और सेशन रख लेंगे ना बेटा, इसका एक और सेशन हम इसका रख लेंगे। इस बात को ध्यान रखना, मतलब इसका पार्ट 2 कर लेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चंस को कवर करवा देंगे। और कल रख लेंगे इसको, ठीक है बेटा। जैसे आज हुई है क्लास, वैसे ही आपकी कल भी हो जाएगी। इसको काट दो बेटा। देखिए, सबसे पहले तो 2 चीजों को समझ लीजिए। डीपोलराइजेशन मतलब होता है संकुचन, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन। और रीपोलराइजेशन मतलब होता है रिलैक्सेशन। रीपोलराइजेशन मतलब होता है, रीपोलराइजेशन को हम रिलैक्सेशन भी बोलते हैं, और इसको रिलैक्स मतलब आराम। आपका क्या कर रहा है, आपका मतलब जो भी चैम्बर्स की हम बात कर रहे हैं। अब आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा, शानदार, दमदार, जानदार तरीके से। तो पी वेव आपकी एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन बताती है। क्या बताती है? पी वेव आपकी एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन बताती है। और साथ में आपका यहाँ पर एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन तो दे नहीं रखा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। द साइज ऑफ टी वेव, ये क्या देख रखा है, रिडक्शन इन। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपका क्या दे रखा है, गलती से वो दे दिया है, ये रिडक्शन इन साइज ऑफ, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव जो दे रखा है ना, ये टी वेव, ये आपका पूरा ये डी वाला है, ठीक है, ध्यान रखना ये वेव है। अब आपका पी वेव का क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एट्रिया का विद्रवण। मतलब कहने का मतलब आपके जो पी वेव है उसमें आपका अलिंद जो होगा वो क्या करेगा, संकुचन करेगा, ध्यान रखना। ये आपका यहाँ का है, पूरा यहाँ का, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टी वेव। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो आपका दे रखा है, QRS कॉम्प्लेक्स जो आपका दे रखा है, वो आपके वेंट्रिकल्स का क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। क्या होता है, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होता है, जो आपका फर्स्ट दे रखा है, ठीक है। अब आपका जो टी वेव है, जो ये छोटी सी बाद में टी वेव आती है ना, देखिए यहाँ पर, देखिए इस प्रकार पी आती है, फिर आपकी QRS आती है, और फिर आपकी ऐसे टी वेव आती है। तो आपसे पूछा ये जो आपकी टी वेव दे रखी है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ध्यान रखना आपके वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन और एंड ऑफ वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, ठीक है, ध्यान रखना। रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल और रिडक्शन। अगर आपके टी वेव के साइज डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब ये एक रोग है, कोरोनरी इश्चीमिया। अगर आपके टी वेव का साइज, मान लीजिए ये आपने ईसीजी करवाया, आपने अपने हार्ट का ईसीजी करवाया, आपका ग्राफ आया, लेकिन भैया ग्राफ ऐसा होना चाहिए था और आया छोटा सा। तो अगर आपकी ये जो टी वेव है छोटी आती है, रिडक्शन होता है, तो इसका मतलब आपको कोरोनरी इश्चीमिया है, कोरोनरी इश्चीमिया। इस बात को ध्यान रखना, नोट कर लीजिएगा, इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। और जिसका आंसर ये नहीं आ रहा है, चिंता नहीं करना है, आंसर को अपने आंसर से जरूर क्या कर लीजिए, मैच कर लीजिए, ठीक है। मैच कर लीजिए। कोरोनरी इश्चीमिया कब होता है? जब हार्ट की आपकी मेजर जो ब्लड वेसल्स होती है, वाहिकाएं जैसे आयोटा वगैरह होती है, वेना कावा वगैरह होती है, जब वो डैमेज हो जाती हैं, तब आपका कोरोनरी इश्चीमिया होता है, जिसमें आपकी टी वेव का मतलब टी वेव जो होती है वो रिडक्शन हो जाता है। कहने का मतलब टी वेव जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कहा गया ना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम। आपके शरीर में सिर्फ दो पोर्टल सिस्टम है, एक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम जो हमारे ब्रेन में होता है, एक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता है जो आपके पिट्यूटरी, जो आपके हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में होता है, और दूसरा होता है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, और जो दूसरा होता है वो आपका होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब बताइए जानदार, शानदार, दमदार तरीके से किसका आंसर क्या हो जाएगा? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू लीवर, किडनी टू लीवर, लीवर टू हार्ट या फिर लीवर टू किडनी। उत्तर क्या होगा? जानदार, शानदार, दमदार तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी का आना चाहिए। क्या हो जाएगा? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम टू लीवर, आपकी इंटेस्टाइन से आपके लीवर के पास क्या जाता है? ब्लड जाता है, जिसमें ढेर सारा ग्लूकोज होता है। और आपके लीवर में क्यों जाता है? क्योंकि इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित किया जाता है आपकी हिपैटोसाइट्स में। आपकी लीवर की जो कोशिकाएं होती है उनको हिपैटोसाइट बोला जाता है। तो हिपैटोसाइट में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, कौन करता है? इंसुलिन करता है। ठीक है बेटा, तो आपके इंटेस्टाइन वगैरह से जो आपका ब्लड है वो लीवर के पास जाता है, इसे ही कहा जाता है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम में ब्लड जो है वो डायरेक्टली हृदय के पास ना जाके पहले एक ऑर्गन के पास जाता है। मान लीजिए ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। मान लीजिए मेरा इंटेस्टाइन है, तो मेरे इंटेस्टाइन में से जो ब्लड निकला है वो मेरे हृदय में नहीं गया, कहाँ गया? लीवर में। अब लीवर से ये ब्लड कहाँ गया? मेरे हार्ट में गया है, तो इनडायरेक्टली मेरे हार्ट में जाता है ना, तो भैया इसको कहा जाता है पोर्टल सिस्टम। और जो आपके जितने भी ऑर्गन है, मान लीजिए मसल है आपकी या फिर आपका ब्रेन है, इससे आपका ब्लड सबसे पहले जाएगा, ना कि किसी और ऑर्गन में। तो भैया ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, दमदार, शानदार, जानदार आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मैच द टर्म्स ऑफ गिवन अंडर कॉलम ए विद देयर फंक्शन। ठीक है, कॉलम ए दे रखा है और कॉलम बी दे रखा है, और दोनों को क्या करना है? आपको मैच करना है। ठीक है बेटा, हिंदी में भी दे रखा है, चलिए दोनों आपको दे रखा है, शानदार तरीके से मैच कीजिएगा। यहां पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पहले आप इंग्लिश में एक बार देख लीजिए। लिम्फेटिक सिस्टम, पल्मोनरी वेन, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट टू द सर्कुलेटरी और लिम्फोसाइट। चलिए, लसिका प्रणाली, फुफ्फुस से शिरा, थ्रोम्बोसाइट लिए संचार प्रणाली और लिम्फोसाइट। उधर देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है, तो भैया पढ़ते ही मेरे दिमाग में भैया आंसर आ गया कि पल्मोनरी जो शिरा है मेरा एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एकमात्र ऐसी शिरा है, और पल्मोनरी वेन है जो मेरे लंग्स से मेरे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, देती है। तो इसका तो यही होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाना। तो लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, हमारी प्लेटलेट होती है भैया, तो ये रक्त को जमाने का काम, लिम्फोसाइट का काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र का। लसिका प्रणाली उत्तक द्रव्य को वापस निकालने के लिए, हमारे जितना भी जो भी हमारा आपका उत्तकीय जो भी फ्लूइड होता है उसको दोबारा से ब्लड में भेजती है। जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो आपके लिम्फ बनता है, फिर ये जो लिम्फ होती है सारा कहां पर जाती है? ब्लड में मिक्स हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब जितना भी आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जो भी आपका टिश्यू फ्लूइड होता है, ये लिम्फ सारा का सारा लेती है, उसे मतलब इकट्ठा करती है और कहां छोड़ती है? फिर ब्लड में छोड़ देती है, ब्लड में उसको मिला देती है। तो ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ। तो उत्तर क्या होगा आपका? इसमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा भैया? ये आपका ये होगा, ठीक है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। चले, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। और एजर्शन और रीजन पे आपका ये क्या है क्वेश्चन है। एजर्शन और रीजन मतलब अभी कथन दे रखा है आपको, अभी कथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा है आपको। इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है आपकी एजर्शन आपका सही है और रीजन भी आपका सही है, मतलब अभी कथन और कारण दोनों सही है। और आपका जो रीजन है वो आपके एजर्शन की क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब सही क्या है इसका उल्लेख है। तो भैया यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, मतलब यहाँ पर प्रॉपर आपको ऑप्शंस नहीं दिए हुए। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कीजिए, मैं आपको अभी बता देती हूँ, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है एजर्शन आपका सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन आपका करेक्ट, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही आपका उल्लेख है और एक्सप्लेनेशन नहीं है, ध्यान रखना। थर्ड होता है आपका एजर्शन आपका सही है, एजर्शन आपका ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। एजर्शन ट्रू है बट रीजन जो दे रखा है वो गलत है, मतलब रीजन जो दे रखा है वो क्या है, फॉल्स है। वहीं पर फोर्थ आपका होता है एजर्शन एंड रीजन दोनों ही क्या है, फॉल्स है, मतलब गलत है। अब आपको इसका आंसर देना है, क्या हो जाएगा। एजर्शन दे रखा है सलाइन वाटर इज नॉट गिवन टू पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन। रीजन इसका है सलाइन वाटर कैन कॉज वॉमिटिंग एंड मे ड्रॉप ब्लड प्रेशर सडनली कॉजिंग कार्डियक अरेस्ट। बताइए क्या होगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एजर्शन रीजन आपको दे रखा है। ऐसा कीजिए, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले लिया, आप सभी ने पढ़ लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपका होप मुझे ऐसा लग रहा है किसी बच्चों को ना समझ में आए कि क्या आपका ऑप्शन होगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसका आंसर मैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में दे दूंगी आपके क्लास के बाद, ठीक है। आपको ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, मतलब ये सारा, या मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। चलिए, गलती से हो सकता है कि उसके जो ऑप्शंस हैं वो हट गए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप दिमाग में रख लीजिए इस क्वेश्चन को। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम एक क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं भैया। फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, ठीक है, स्पीसीज, जीनस। बताइए आपको मैच करना है, इसमें से आपका किंगडम कौन सा है, इसमें से आपका ऑर्डर कौन सा है। ऑर्डर मतलब आपका गण कौन सा है, जगत किंगडम को बोला जाता है हिंदी में, फैमिली को हम कुल भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। स्पीसीज को प्रजाति, जीनस को हम वंश भी बोलते हैं हिंदी में। तो चलिए मार्क करिए, इसमें से फैमिली कौन सी है भैया। फैमिली के पीछे एशिया लगता है, क्या लगता है, एशिया लगता है, ध्यान रखना। और जगत तो आप सभी को पता है प्लांटे होगा। और ऑर्डर के पीछे क्या लगता है, कि किसके पीछे लगता है, फैमिली के पीछे, और ऑर्डर के पीछे एल्स लगता है। तो पॉलीमोनियल्स हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। सोलनेशिया हमारा क्या होगा, फैमिली हो गया। स्पीसीज हमारा क्या हो जाएगा, सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम ट्यूबरोसम। तो सोलैनम पहला अक्षर वंश होता है, दूसरा अक्षर क्या होता है हमारा, प्रजाति और जाति होती है जिसको स्पीसीज कहते हैं। तो ए का फिफ्थ हो जाएगा, ए का फिफ्थ हो जाएगा, मतलब फर्स्ट का देख लो, फर्स्ट का डी हो जाएगा, फर्स्ट का डी। सेकंड का सी हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन इज राइट। उल्टा दे रखा है आपका, उल्टा दे रखा है, यहां से मैच करो तो आंसर आ जाएगा आपका आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हम कल की क्लास से शुरू करेंगे, मतलब पार्ट 2 में, अभी मैं छोड़ रही हूँ इसको। तो पार्ट 2 तैयार रहना इसी मैराथन की पार्ट 2 के लिए, इसी क्लास का, इसी मॉक टेस्ट का पार्ट 2 के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट क्लास भी आपकी होती है ना बेटा। मॉक टेस्ट पार्ट 2 के लिए तैयार रहना, जो कब होगी, कल ही होगी, ठीक है, कल ही होगी। अभी आप सभी ने बहुत फ्रेश तरीके से आंसर किया है, बहुत बढ़िया, बहुत जानदार आंसर आप सभी ने किया, बहुत वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन जिन बच्चों ने आंसर किया सभी को फायदा मिलेगा, जितने भी बच्चों ने आज क्लास ज्वाइन की है सभी को फायदा मिलेगा। बस आपको कल भी इसी तरीके से जुड़ना है, शाम 7 बजे इसी क्लास का, इसी मॉक टेस्ट का पार्ट 2। अभी हमने क्लास 11 के जितने भी मैंने आपको थंबनेल पे क्वेश्चन दिए थे आपने सभी कवर किए। कल भी हम 25 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, मतलब टोटल 50 हो जाएंगे हमारे पार्ट 2 जब हम करेंगे, ठीक है बेटा। मतलब 25 से 30 क्वेश्चन कल मैं आपको क्लास में करवाऊंगी, ठीक है बेटा। कल की क्लास मतलब ज्यादा देर की रहने वाली है। तो आज पार्ट 1 पार्ट 2, तो जिन भी बच्चों को नहीं पता था तो इस जरूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अपना फीडबैक जरूर देना, आपको ये क्लास कैसी लगी, मजा आया या फिर नहीं। कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, आंसर्स भैया समझ में आए, एक एजर्शन रीजन आप उसको छोड़ देना, उसके लिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिया। कल से हम आपके मतलब क्लास 12th के चैप्टर से चलेंगे। क्लास 11th आज हमने कवर कर लिया है, क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अभी फर्स्ट सेकेंड आपका थोड़ा सा बचा है, पार्ट 2 हम कल कवर करेंगे। होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, मेहनत पसंद आई होगी। तो कल इसी जानदार बहुत बढ़िया क्वेश्चन से आज के क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना, और कल जानदार तरीके से आप सभी के साथ ज्वाइन करूंगी मैं। इसी मतलब यही टाइम रहेगा 7 बजे का, यही टाइम रहेगा शाम 7 बजे का। शानदार तरीके से आप कल की क्लास को भी ज्वाइन करना। इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं तक रखती हूँ। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।